हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय के नितिन आर्ट चैनल। के नितिन आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। द थीम ऑफ टुडेज वीडियो इज स्टिल लाइफ। द सब्जेक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इन सम पार्ट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। फर्स्ट पार्ट में ग्राफाइट पेंसिल की मदद से एक सिंपल सा स्टिल लाइफ बनाया है, एंड इन द सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट विद द हेल्प ऑफ कलर पेंसिल्स द सब्जेक्ट मैटर इज कम्प्लीटेड। सो यू शुड वॉच ऑल द पार्ट्स and do practice accordingly. Please comment, share, like and subscribe to my channel. और bell icon पर click करें ताकि आने वाले videos के बारे में यह आपको सूचित करेगा। Drawing और painting में रुचि रखना और अपने काम में consistency रखना, यही बातें हमें drawing और painting शुरू करने के लिए काफ़ी होती है। कोई भी जो अपनी कला शिक्षा को सीरियसली लेता है तो वह बेसिक फंडामेंटल का इम्पोर्टेंस अच्छी तरह से जानता है। ये फंडामेंटल टॉपिक एक बिल्डिंग की फाउंडेशन की तरह है। इससे पहले कि आप अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें, आपको फाउंडेशन की आवश्यकता होती है। तो आप इस फंडामेंटल स्किल की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो इसके लिए शेप्स के साथ शुरुआत करना एक बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में एक स्क्वायर ब्लॉक, सिलेंडर या इसी तरह की ज्योमेट्रिक शेप्स को चुनें और एक संक्षिप्त चित्र बनाने की कोशिश करें। लाइफ में हर चीज को स्मॉलर फॉर्म्स लाइक स्पीयर्स, कोन्स, सिलेंडर्स और बॉक्सेस, इन्हीं के आधार पर ही बनाया जा सकता है। यदि आप हर पर्सपेक्टिव में इन बेसिक शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं तो आप एनीथिंग, कुछ भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कलर पेंसिल स्टिल लाइफ वीडियो पार्ट टू की एक छोटी क्लिप। यदि आप अपने फॉर्म्स को बेहतर ढंग से डिफाइन या परिभाषित करना चाहते हैं तो क्रॉस कंटूर लाइनों को फॉलो करना चाहिए। फंडामेंटल्स में जितना इंपॉर्टेंस बाकी एलिमेंट्स को है उतना ही कंपोजिशन, वैल्यू और लाइट को भी है। कंपोजिशन को जीरो से सिखाना एक कठिन काम है, क्योंकि फिनिश्ड आर्टवर्क में ही कंपोजिशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब सभी चीजें एक साथ आती है तो एक कंप्लीट आर्टवर्क का निर्माण होता है और उसी में आपको एक कंपोजिशन मिलता है। कंपोजिशन की आपकी चॉइस को साइज, एंगल, पर्सपेक्टिव, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान देकर डिफाइन किया गया है, और यह फंडामेंटल स्किल वास्तव में आपकी आर्टिस्टिक प्रोग्रेशन में बाद में डेवलप होता है। यदि आपको वैल्यू के बारे में कुछ पता नहीं है देन जस्ट कीप ड्रॉइंग, और जितना संभव हो उतना रेंडर करने की कोशिश करें। आपको रेंडरिंग सिखाने वाले बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन कोई भी आपको आपकी जरूरत के हिसाब से सब कुछ नहीं देगा। कलर पेंसिल स्टिल लाइफ वीडियो पार्ट 3 की
एक छोटी क्लिप। खासकर जब आप कला सीखना शुरू करते हैं तो वैल्यू का अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता होती है। यह सब स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन यह बहुत एजुकेशनल भी हो सकता है। वैल्यू का विषय बेहद विस्तृत है, क्योंकि यह रेंडरिंग से रिलेटेड हर चीज को कवर करता है।